नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब 2019 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं RRB ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ALP की आंसर की जो डेट आई है 18 तारीख, इस वजह से ग्रुप डी का रिजल्ट शायद लेट हो सकता है। और ये बात NDTV ने भी अभी थोड़ी देर पहले ही आज की डेट में बताया है। जैसे उन्होंने उनकी हेडिंग है RRB ग्रुप डी रिजल्ट डेट स्टिल अनडिसाइडेड, बोर्ड अनाउंस RRB ALP आंसर की डेट। तो उन्होंने भी यही बताया है कि उन्होंने पहले ALP की आंसर की डेट डिसाइड की है, रिजल्ट की डेट नहीं आई है अभी भी। देखिए आपको बता सकते हैं, अपडेटेड फरवरी 17 फरवरी को 10:30 बजे उन्होंने ये अपडेट किया है। और उन्होंने यही बताया है कि RRB ग्रुप डी की डेट अभी भी अनडिसाइडेड है और जब भी कन्फर्म होगी, लेकिन उन्होंने यही बताया कि फरवरी के अंदर ही इसकी डेट रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक ग्रुप डी का रिजल्ट कंफर्म नहीं हुआ है कि आ जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं हम आगे, तो उन्होंने यही लिखा है कि RRB ग्रुप डी रिजल्ट विल बी रिलीज्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ विथ RRB अनाउंसिंग RRB ALP आंसर की रिलीज डेट यस्टरडे। तो उन्होंने कल ALP की डेट बता दी थी कि 18 तारीख को आएगा ALP का जो CBT2 का आंसर की है और 20 तारीख तक चलेगी। तो जहाँ तक है 2 दिन तक वो क्वेश्चंस रेज वगैरह क्वेरीज वगैरह करते हैं, तो उसमें 2 दिन साइट बिजी रहेगी। उसके बाद ही मेरे हिसाब से 21-22 तारीख तक ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज जहाँ तक है पॉसिबिलिटी नहीं है ग्रुप डी के रिजल्ट आने की, क्योंकि पहले उसकी ALP की आंसर की आएगी, उसके बाद ही वो रिजल्ट आएगा। दोस्तों अगर रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप निराश मत होइएगा। 1-2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है ग्रुप डी का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी से 2-3 दिन तो लगेंगे आराम से अभी भी। उन्होंने हाँ मार्च में शिफ्ट नहीं होगा, उन्होंने ये भी बताया है NDTV ने कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन RRB ऑफिशियल टू NDTV, द रिजल्ट शुड बी एक्सपेक्टेड इन फेब्रुअरी एंड द डेट विल नॉट बी शिफ्टेड टू मार्च। मतलब कि मार्च में तो नहीं आएगा रिजल्ट, लेकिन फरवरी के अंदर अंदर ही 100% कन्फर्म बताओ, जहाँ तक है 21 से 22 तारीख तक वो रिजल्ट निकाल देंगे, क्योंकि 20 तारीख को ALP की क्वेरीज समाप्त हो जाएगी, उनको जो ऑब्जेक्शंस रेज करना होगा वो समाप्त हो जाएगी। उसकी डेट 20 तारीख को रात के 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद 21 या 22 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों जहाँ तक आज रिजल्ट नहीं आएगा, यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है वापस से, ये NDTV ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अब नए वीडियो में।